10 ऐसी कूल चीजें जो आप इन गर्मियों की छुट्टियों में कर सकते हो खुद को एंटरटेन करने के लिए। नंबर 1, स्टार्टिंग अ बिजनेस। नो, आई एम नॉट सेइंग कि जाके कोई दुकान खरीद के ही खोल लो, लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि अगर आपके पास कोई भी स्किल है, गिटार बजाना, ग्रीटिंग कार्ड बनाना या यूट्यूब थंबनेल्स बनाना, तो प्लीज उसे मोनेटाइज करना शुरू करो। यू कैन स्टार्ट बाय मेकिंग थिंग्स एंड सेलिंग इट टू योर रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स एंड नेबर्स, और पता है इससे शायद बहुत ज्यादा पैसे ना मिले लेकिन आपको एक बिजनेस एप्टीट्यूड जरूर डेवलप होगा। नंबर 2, अगर बाय चांस आपके पास ऐसी कोई स्किल नहीं है जिसे आप मोनेटाइज कर पाओ, तो फिर यार स्किल ही सीख लो, चाहे वो आउटडोर स्किल है या इंडोर स्किल है, चाहे वो हॉर्स राइडिंग है, स्विमिंग है या घर पे बैठ के चेस खेलना, क्यों नहीं है, टाइम को खाली मत जाने दो। नंबर 3, बाय चांस आप उन बच्चों में से हो जो पेपर के लास्ट में सब कुछ पढ़ के 90% नहीं स्कोर करते बल्कि स्टार्टिंग से उन्हें कंसिस्टेंट मेहनत करनी पड़ती है, तो गर्मियों की छुट्टियों में आप सिलेबस पे लीड हासिल करने के लिए अपने सब्जेक्ट्स के कोई 2-3 चैप्टर्स उठा के खुद से पढ़ना स्टार्ट कर सकते हो। दिस विल गिव यू कॉन्फिडेंस फॉर द एंटायर एकेडमिक ईयर। नंबर 4, माय फेवरेट, मूवीज और टीवी शोज देखो यार, अच्छे अच्छे मूवी शोज जो आपको एंटरटेन भी करेंगे और आपकी लाइफ में वैल्यू भी ऐड करेंगे। सो हियर इज अ लिस्ट ऑफ द मूवीज दैट यू कैन वॉच, इफ यू वांट मोर सजेशंस लेट मी नो इन द कमेंट्स। नंबर 5, आपकी गर्मियों की छुट्टियां बेशक पड़ गई हो लेकिन आपके पेरेंट्स की गर्मियों की छुट्टियां नहीं पड़ती हैं, तो वो लगातार काम करते रहते हैं और आप लोगों को बेस्ट लाइफ प्रोवाइड करते रहते हैं, तो अगर गर्मियों की छुट्टियों में आपके पास थोड़ा सा टाइम है तो अपने पेरेंट्स की हेल्प जरूर करो, चाहे वो कुकिंग में है, क्लीनिंग में है, बाहर से ग्रोसरीज लाने में। नंबर 6, यू कैन लर्न अ लाइफ स्किल। लाइफ स्किल वो होती है जो हर इंसान को अपने सर्वाइवल के लिए आनी चाहिए, जैसे कि स्विमिंग, जैसे कि कुकिंग, ऑल ऑफ दैट, एंड स्पेशली कुकिंग। आई थिंक कुकिंग सबको आनी चाहिए, इट इज नॉट जेंडर सेंट्रिक, क्योंकि अगर खाना खाते हो तो खाना बनाना भी आना चाहिए। नंबर 7, अब आपको लगेगा कि मैम लेक्चर दे रही है, लेकिन पता है जब हम छोटे होते हैं तो एक हैबिट फॉर्म करना बहुत ईजी होता है और जब हम बड़े हो जाते हैं तो हैबिट फॉर्म करने में उतनी ही डिफिकल्टी आती है, तो कोई एक हेल्दी हैबिट आप छोटी से छोटी ही सही लेकिन जरूर बना लो इन समर हॉलीडेज में, जैसे कि सुबह उठ के 2 ग्लास पानी पीना या 5 मिनट रोज एक्सरसाइज करना, सो ऑन एंड सो फोर्थ। नंबर 8, टेक अ डे आउट फॉर काइंडनेस। बाहर जाओ लेकिन ऐसी जगह जाओ जहां पे आपको ऐसे बच्चे और ऐसे लोगों से मिलने का मौका मिलेगा जो आपकी तरह प्रिविलेज नहीं है, जैसे कि यू कैन गो टू एन ऑर्फनेज और टू एन एनजीओ विद योर पेरेंट्स, लेट मी टेल यू इट विल बी अ वेरी वेरी फुलफिलिंग एक्सपीरियंस फॉर यू। नंबर 9, बाय चांस इन एनजीओ में जाके अगर आपको बहुत ही फुलफिलिंग महसूस हो तो आप वॉलंटियर भी कर सकते हो इफ योर पेरेंट्स अलाउ, एंड आई विल टेल यू इट विल लुक गुड ऑन योर रिज्यूमे लेटर ऑन एंड इट विल बी गुड फॉर योर सोल ऑल्सो। एंड नंबर 10 वुड बी कि हॉलीडेज होमवर्क के साथ साथ खूब सारी मस्ती करो, बिकॉज दिस टाइम इज नॉट गोना कम बैक, सो सारे ट्रॉपिकल फ्रूट्स खाओ, मैंगो, लीची, जामुन, जो भी पसंद है, खूब सारा टीवी देखो, खूब सारा पेरेंट्स के साथ मस्ती करो, एंड दैट वुड बी माय एडवाइस। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू द चैनल, बिकॉज आई टीच यू क्लास 9th एंड 10th केसेस टी एंड बायोलॉजी हियर। बाय।